काफ़ी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है ये। एक बार अगर आपने सही अप्रोच लगाया और अगर आपको कंसेप्ट क्लिक हो गया तो बहुत ही इजी है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन तो सुपर इजी है। सो एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ग्रिड एक्सोर। नोट, द एक्सोर सम ऑफ सेट एस वन एस टू अप टू एस एम इज डिफाइंड एज एस वन एक्सोर एक्स टू एस एक्सोर एस थ्री अप टू एक्सोर एस एम, वेर द प्लस साइन विथ सर्कल डिनोट्स द बिटवाइज एक्सोर ऑपरेशन। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास एक सेट है एस वन एस टू अप टू एस एम एम नंबर्स का, तो इस सेट के लिए एक्सोर सम वैल्यू कैसे डिफाइन की जाएगी। P इक्वल्स टू, मान लो ये XOR सम है, तो दैट वुड बी S1 XOR S2 XOR S3 अप टू XOR SM, सभी नंबर्स के बीच में बिटवाइज XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये XOR सम वैल्यू होगी। After almost winning IOI, Victor bought himself n cross n grid containing integers in the cell. N is an even integer. The integer in the cell in the ith row and jth column is aij. ठीक है, क्या बोला गया है कि विक्टर के पास एक n cross n grid है, मैट्रिक्स है ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर है। और एक बात क्या बोली गई है कि n even है, मतलब n modulo 2 जीरो के बराबर है, और इसमें ith row और jth column वाला जो एलिमेंट होगा वो डिनोट किया जाएगा बाय ए आई जे। ठीक है, ओके। सैडली मिहाई स्टोल द ग्रिड फ्रॉम विक्टर एंड टोल्ड हिम ही वुड रिटर्न इट विथ ओनली वन कंडीशन। ठीक है, तो मिहाई ने विक्टर का ग्रिड चुरा लिया है और बोल रहा है कि ही विल ओनली रिटर्न ऑन वन कंडीशन, फिर आगे कंडीशन दी गई है। विक्टर हैज़ टू टेल मिहाई द एक्स और सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स इन द होल ग्रिड। ठीक है, तो मिहाई ने क्या बोला कि ही विल रिटर्न द ग्रिड टू विक्टर ओनली ऑन वन कंडीशन, अगर वो पूरी ग्रिड जो है, मान लो 4x4 की ग्रिड है, तो इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये 16 एलिमेंट्स, इन सब का एक्स और सम वैल्यू अगर वो उसको बताए तो। ठीक है, तो जो n क्रॉस n ग्रिड है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का एक्स और सम, मतलब n क्रॉस n एलिमेंट्स, n स्क्वायर एलिमेंट्स जितने भी हैं उन सबके बीच में एक्स और लेके जो फाइनल वैल्यू मिलती है वो अगर वो बता देता है विक्टर, देन मिहाई विल रिटर्न द ग्रिड टू विक्टर। ठीक है, विक्टर डजेंट रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रिड बट ही रिमेंबर्स सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, अब विक्टर को सारे एलिमेंट्स याद नहीं है बट कुछ इन्फॉर्मेशन याद है एलिमेंट्स की जो आगे दी गई है। फॉर ईच सेल विक्टर रिमेंबर्स द एक्स और सम ऑफ ऑल द नेबरिंग सेल्स। टू सेल्स आर कंसिडर्ड नेबर्स इफ दे शेयर एन एज। इन अदर वर्ड्स, फॉर सम इंटीजर आई जे के एल, द सेल इन द आई थ्रो एंड जेथ कॉलम इज द नेबर ऑफ द सेल इन द के थ्रो एंड एल्थ कॉलम इफ मॉड ऑफ आई माइनस के इज वन एंड जे इक्वल टू एल, और मॉड और आई इक्वल टू के एंड मॉड ऑफ जे माइनस एल इक्वल टू वन। ठीक है, तो वो नेबरिंग सेल की डेफिनेशन दी गई है। बेसिकली क्या बोला गया है कि विक्टर को सारे एलिमेंट्स तो याद नहीं है बट उसको क्या याद है, उसको सभी सेल के नेबरिंग एलिमेंट्स का एक्स और सम याद है, मतलब कि, और नेबरिंग एलिमेंट्स क्या बोला गया है, दी सेल्स विच शेयर एन एज। तो अगर मैं इस सेल की बात करूँ तो इसके नेबर्स कौन कौन से हो गए, ये और ये, तो विक्टर को इन तीनों की एक्सोर वैल्यू पता है। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर ऑल दी अदर सेल्स, अगर मैं इस सेल की बात करूँ तो इसके नेबरिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ये चारों, तो विक्टर को इन चारों की एक्सोर सम वैल्यू पता है। सो फॉर ऑल दी सेल्स इन द मैट्रिक्स विक्टर को उसके जो नेबरिंग सेल्स हैं उनकी एक्सोर सम वैल्यू पता है। ठीक है, ओके। टू गेट हिज ग्रिड बैक विक्टर इज आस्किंग यू फॉर योर हेल्प। कैन यू यूज द इंफॉर्मेशन विक्टर रिमेंबर्स टू फाइंड द एक्सोर सम ऑफ द होल ग्रिड। इट कैन बी प्रूवन दैट द आंसर इज यूनिक। तो अब हमें ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें क्या दिया गया है, हर एक सेल के लिए उसके नेबरिंग सेल्स में जो भी एलिमेंट्स है उनकी एक्सोर सम वैल्यू दी गई है, तो उसकी मदद से हमें जो हमारा ओरिजिनल ग्रिड है उसके जो एन स्क्वायर एलिमेंट्स है उनकी एक्सोर वैल्यू बतानी है, तो ये पूछा गया है। और एंड में बोला गया है कि इट कैन बी प्रूवन दैट द आंसर इज यूनिक। इनपुट किस तरह से है, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस पे है एन, साइज ऑफ द ग्रिड, और फिर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, n लाइंस है और सभी लाइंस में n एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, और आउटपुट में हमें क्या बताना है,
एक्स और सम बताना है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रिड, ऑफ द ओरिजिनल ग्रिड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स पे लिख दिए है, और ये जो एन क्रॉस एन ग्रिड है वो क्या डिनोट कर रहा है, अगर यहाँ पे मान लो बी एरे है ये, तो बी आई जे क्या डिनोट कर रहा है कि बी आई जे के जितने भी नेबरिंग सेल्स है उनकी एक्सोर वैल्यू मैं लूंगा तो वो क्या होगा, वो बी आई जे में दिया गया है। हमें क्या बोला है कि विक्टर रिमेंबर्स द वैल्यूज ऑफ एक्सोर सम ऑफ ऑल द नेबरिंग एलिमेंट्स, तो हमें इस पोजिशन पे क्या दिया गया होगा, इसके जो भी नेबर्स है उन ये चार इनकी एक्सोर सम वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। तो वो ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें ओरिजिनल ग्रिड नहीं पता। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है, अब इसके कंसेप्ट पे मूव करता है। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, हमें बोला गया है कि हमारे पास एन क्रॉस एन ग्रिड जो है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, कि सभी सेल्स के लिए हमें उनके नेबरिंग सेल्स की एक्स और सम वैल्यू दी गई है। तो इस पॉइंट पे मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन होगी, मेरे पास इस सेल, इस सेल, इस सेल और इस सेल, इन चारों सेल की एक्स और सम वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगी मेरे पास इन्फॉर्मेशन, इस सेल और इस सेल की एक्स और वैल्यू, ठीक है, ओके। मतलब कि ओरिजिनल सेल्स में यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स होंगे उनकी एक्स और वैल्यू, और इसी तरह से सभी सेल में हमारे पास नेबरिंग सेल्स की एक्स और सम वैल्यू है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, हमें बोला गया है कि हमारा जो ओरिजिनल ग्रिड है उसके सभी एलिमेंट्स n क्रॉस n एलिमेंट्स मतलब कि n स्क्वायर एलिमेंट्स का एक्सोर सम चाहिए, मतलब कि सभी एलिमेंट्स को एक्सोर करके जो वैल्यू मिलेगी वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप देखो, हमारे पास ओरिजिनल ग्रिड तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इन एलिमेंट्स, ये मान लो ओरिजिनल ग्रिड है, ठीक है, और ये क्या है हमें जो क्वेश्चन में दी गई है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मान लो इस सेल की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, इस सेल की एक्स और वैल्यू, मतलब कि अगर मैं इसको बी बोलूँ, अगर ओरिजिनल एरे को मैं ए बोलूँ तो ये होगा ए ऑफ 3-1, अगर जीरो इंडेक्स बात करें, एक्स और ये क्या होगा ए ऑफ 3-1, ये क्या होगा ए ऑफ 2-0, ठीक है। तो इस सेल में इनपुट में मुझे क्या दिया गया है, ओरिजिनल सेल के ये दोनों एलिमेंट्स की एक्सोर वैल्यू, ठीक है। अब ओरिजिनल सेल मुझे एज इट इज तो नहीं दिया गया, लेकिन एक्सोर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी नंबर को इवन टाइम्स लोगे तो वो कैंसल आउट हो जाएगा खुद से ही, और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लोगे तो वो इट इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग इट वन टाइम। मतलब कि अगर मैं आपको कहता हूं कि 3x और 5, तो ये क्या होगा 6, लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं 3x और 5x और 3, तो ये क्या हो जाएगा 5, बिकॉज xor का क्या मतलब है, अगर मैं कहता हूं 0 1 1, ये 3 है, xor 3 xor 5, अगर मुझे ये चाहिए तो xor का क्या मतलब कि अगर odd number of 1 से तो वो 1 रहेगा, अगर even number of times 1 है तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे odd number of times 1 है वो 1 रहेगा, यहाँ पे even number of times है ये 0 हो जाएगा, ये odd number of times ये 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि पहले हम इन दोनों numbers के बीच में xor लेते हैं, तो 3x और 3 क्या हो जाएगा 0, और 0x और 5 क्या हो जाएगा 5, तो ये बिट्स आपस में कैंसल आउट कर रही है। सो एनी नंबर अगर वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा एक्सोर में और खुद से ही कैंसिल आउट कर देगा, और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है देन इट इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग इट एज वन टाइम। क्योंकि अगर मैं 3x और 3x और 3 लेता हूँ तो ये 3x और 3 तो 0 हो गया ना, xor 3 is equivalent to 3, सो टेकिंग एनी नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग इट वन टाइम। तो अगर मुझे इनपुट में इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब कि नेबरिंग सेल्स की एक्स और इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो अब मुझे क्या सोचना चाहिए कि इन सभी सेल्स, इनपुट के जो सेल्स है उसमें से कुछ सेल को सिंगल टाइम, कुछ को 2 times, कुछ को 3 times, ऐसा करके मुझे सबके बीच में एक्स और लेना है, सच दैट जो मेरा ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए, मतलब कि इनके जो भी एलिमेंट्स हैं एन स्क्वायर इनपुट के, इन एलिमेंट्स को मुझे, मान लो पहले एलिमेंट को मैं 1 time लेता हूँ, दूसरे एलिमेंट को 3 time लेता हूँ, तीसरे एलिमेंट को 6 time लेता हूँ, चौथे एलिमेंट को 2 time लेता हूँ, एंड सो ऑन अप टू एन स्क्वायर एलिमेंट्स को लूंगा, सच दैट
ये एन स्क्वायर टाइम्स नहीं लेना, बट एन स्क्वायर लास्ट एलिमेंट को लूंगा सच दैट कि इसमें ए थ्री वन जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए, बिकॉज टेकिंग इट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वलेंट टू टेकिंग इट वन टाइम। सिमिलरली बाकी जितने भी यहाँ पे सेल्स है ओरिजिनल इनपुट के वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए, तो मुझे क्या मिल जाएगा इन सभी का XOR वैल्यू। ठीक है, तो अब ये मेरी सोच होनी चाहिए। तो अब ऐसा करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम बेस केस से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जिससे कि हमें कुछ आइडिया मिले कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं बेस केस की बात करूँ तो n इक्वल टू टू, क्योंकि हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि n इवन है, तो ये ध्यान में रखना है। तो अगर मेरे पास 2x2 का इनपुट ग्रेड है, तो अगर मैं इस एलिमेंट को लेता हूँ, इस एलिमेंट को, तो वो मुझे क्या देगा, दिस एक्स और दिस। मतलब कि अगर मैं इस एलिमेंट को लेता हूँ, मान लो इसका नाम है P1, तो P1 को मैंने लिया तो वो इसको एक बार काउंट करेगा, इसको एक बार काउंट करेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों एलिमेंट्स तो आ गए, क्योंकि इन दोनों का XOR ही तो यहाँ पे स्टोर्ड है। और इनपुट में मुझे जो एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है, अगर मैं उसको लूँगा तो वो दिस एक्स और दिस है, मतलब कि इन दोनों को भी एक एक बार काउंट कर लेगा। समझ रहे हो आप, यहाँ पे मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है इस एलिमेंट की, मतलब A00 XOR ये क्या है A11, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, ओरिजिनल एरे का दिस XOR ओरिजिनल एरे का दिस, तो ये क्या है A01 XOR ये क्या है A10। तो अगर मैं इस एलिमेंट को कंसिडर करता हूँ तो वो इसको और इसको ओरिजिनल एरे के इन दोनों एलिमेंट्स को एक एक बार काउंट करेगा XOR में। ठीक है, काउंट करेगा, मैं जब भी बोलूँ इसका मतलब है XOR वैल्यू में। तो A00 XOR A11 और ये जो है वो इन दोनों को काउंट करेगा, तो सभी के सभी एक बार काउंट हो गए, मतलब कि सभी के सभी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ गए। मतलब कि इन दोनों के बीच में अगर मैं XOR वैल्यू ले लूँगा तो मुझे चारों की XOR वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों स्टोर कर रहा है, ये दोनों स्टोर कर रहा है, तो A00 XOR A11 XOR A01 XOR A10, तो चारों एलिमेंट्स जो ओरिजिनल एरे के हैं उनका मुझे XOR वैल्यू मिल गया। सो दिस इज द बेस केस जिसमें कि ये दोनों एलिमेंट्स जो इनपुट में दिए गए हैं उनका XOR लेके मुझे चारों एलिमेंट्स का XOR मिल रहा है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाए, सो अब देखते हैं n इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, क्योंकि n इवन दिया गया है, n इक्वल टू 2 तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है कि हमें इस तरह से इनपुट के एलिमेंट्स को यूज करना है कि ओरिजिनल एरे के ये सभी सेल्स जो है वो सभी सेल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे फाइनल XOR में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो, अगर हम कुछ एलिमेंट्स के बीच में XOR ले रहे हैं, जिससे कि वो सभी एक एक बार ही काउंट हो। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने सेकंड रो को लिया था तो हमारा काम हो गया था, वैसे यहाँ पे भी हम सेकंड रो से अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी अप्रोच क्या होगी, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं पहली रो के सभी एलिमेंट्स को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ले लेता हूँ, फिर सोचेंगे कि सेकेंड रो के एलिमेंट्स को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स कैसे लेना है। पहले ये रो कवर कर लेते हैं, फिर ये रो कवर कर लेंगे, फिर ये रो कवर कर लेंगे, और फिर ये रो कवर कर लेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मान लो 8 रोज है। ठीक है, तो अगर मैं इस रो के सभी एलिमेंट्स को, जितने भी सेल्स है 8 सेल्स, उनको अगर मैं वन टाइम या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लेने की कोशिश करूँगा, तो उसको एक बार मैंने ऑड कर दिया तो उसको क्या है कि ये रो भी अफेक्ट करता है और ये रो भी अफेक्ट करता है, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी हमारे कंसेप्ट की। तो बेटर हम क्या सोच रहे हैं कि पहले हम फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ले लेते हैं, फिर इस रो को अनटच कर देंगे, उसको फिर टच नहीं करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड रो को कैसे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करना है वो सोचेंगे, फिर थर्ड रो एंड फिर फोर्थ रो, क्योंकि इसके ऊपर वाली कोई रो नहीं है, और एक बार ये ऑड हो गई फिर इसको टच नहीं करेंगे, तो ये टॉप मोस्ट हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, ओके, अब मुझे ओरिजिनल ग्रेड है उसके ये टॉप रो के सभी एलिमेंट्स को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लेना है, तो इनिशियली तो सब एलिमेंट 0 टाइम्स है, अभी हमने कुछ लिया नहीं है। ठीक है, मान लो एक वेरिएबल है आंसर, इसकी वैल्यू है 0,
तो अब मुझे टॉप एलिमेंट्स को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सेल में जो वैल्यू प्रेजेंट होगी उसके साथ आंसर का एक्सोर करूंगा, क्योंकि ये जैसे ही मैं लूंगा यहां पे क्या प्रेजेंट है, दिस एक्सोर दिस एक्सोर दिस, तो ये वन नंबर टाइम, ये सेल एक नंबर एक बार अकर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम नहीं देख रहे, अभी हम टारगेट कर रहे हैं कि फर्स्ट रो को कैसे लेना है। तो जैसे ही मैं ये वैल्यू है, मान लो जो भी है इसकी वैल्यू, इसको मैं आंसर के साथ एक्सोर करूंगा, आंसर एक्सोर एक्स जो भी यहां पे वैल्यू है, तो यहां पे जो वैल्यू है वो एक बार अकर हो जाएगी। ये वैल्यू मतलब ओरिजिनल सेल में यहां पे जो वैल्यू होगी वो एक बार अकर हो जाएगी, ये वैल्यू एक बार अकर हो जाएगी, और ये वैल्यू एक बार अकर हो जाएगी, क्योंकि यहां पे हमें क्या दिया गया है, ए जीरो जीरो एक्सोर ए वन वन एक्सोर ए टू जीरो। ठीक है, दिस दिस एंड दिस, इन तीनों का एक्सोर यहां पे दिया गया है, तो मैं इनपुट के इस सेल को आंसर के साथ एक्सोर करूंगा, तो ये तीनों एक एक बार आ जाएंगे। ठीक है, अब ये वन टाइम आ गया ए जीरो जीरो, अब मेरा टारगेट है इसको वन टाइम लेना, तो उसके लिए मुझे इस सेल को लेना पड़ेगा इनपुट में जो ये सेल होगा, तो मैं इसको जैसे ही लूंगा तो इसके नेबरिंग सेल्स अकर हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे, मतलब कि ओरिजिनल सेल का ये एलिमेंट एक बार आ जाएगा, ये एक बार आ जाएगा, ये एक बार आ जाएगा, और ये एक बार आ जाएगा। ठीक है, अब हम अभी हमारा टारगेट क्या है, फर्स्ट रो को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लाना है, ये सब हम नहीं सोच रहे, अब इसको लाना है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम इस इनपुट को ले लेंगे ये सेल को, जिससे कि ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, और ये टू हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको वन करना है, तो इसके लिए मैं इस इनपुट को ले लूंगा, जिससे कि ये एक बार अकर हो जाएगा, ये टू टाइम्स अकर हो जाएगा, और ये वन टाइम अकर हो जाएगा। तो फर्स्ट रो जो ओरिजिनल इनपुट में है, अगर मैं इन चारों एलिमेंट्स का एक वैल्यू जो है जो इनपुट में हमें दिया गया है, अगर उनके बीच में मैं एक्सोर लेता हूँ, तो वो क्या डिफाइन करता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक बार ओरिजिनल ओरिजिनल ग्रिड के, और ये एलिमेंट्स दो बार, इन सब का एक्सोर मुझे दे देगा। बट उस एक्सोर वैल्यू में हमारी फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ गए, तो हमारी फर्स्ट रो का काम हो गया, अब उसको हम अनटच रहने देंगे। अब सेकेंड रो को ऑड करना है, तो भाई जो ऑलरेडी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, ये वन है ये वन है, उनको क्यों टच करना है। ठीक है, तो जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है उनको चेंज करने का सोचेंगे, किसकी मदद से चेंज करेंगे, थर्ड रो की मदद से, क्योंकि इसको टच नहीं करना है। तो अगर इसको ऑड करना है, तो मैं इस सेल में जो वैल्यू है वो ले लूंगा, तो वो क्या करेगा, इसके नेबरिंग सेल्स की काउंट बढ़ा देगा, और ये कितना हो जाएगा, थ्री, तो ये भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो गया, और एक्सोर में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर होना मतलब कि एक बार अकर होना। अब इसको ऑड करना है, तो मैं इसको लूंगा, तो ये क्या करेगा, इसको टू कर देगा, इसको टू कर देगा, इसको थ्री कर देगा, और ये वैल्यू वन नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो जाएगी। तो सेकेंड रो में भी सभी एलिमेंट्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो गए, ये भी काम हमारा हो गया। अब थर्ड रो की बात करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, जितने भी इवन सेल्स हैं उनको ऑड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी मदद से, उसके नीचे वाले रो की मदद से। तो ये क्या है, इवन है, तो हम इस एलिमेंट को लेंगे, इस एलिमेंट में क्या दिया गया है, दिस एक्स और दिस, मतलब कि ये दो बार हो जाएगा, ये तीन बार हो जाएगा। अब हम इस एलिमेंट को भी लेंगे, क्योंकि हमें इसको ऑड करना है, तो ये थ्री टाइम्स हो जाएगा, ये टू टाइम्स हो जाएगा, ये वन टाइम हो जाएगा। हम इस एलिमेंट को भी लेंगे इनपुट में से, तो ये थ्री टाइम्स हो जाएगा, ये वन टाइम्स हो जाएगा, ये थ्री टाइम्स हो जाएगा। अब ये भी इवन है, तो इसको भी लेना पड़ेगा, इसको जैसे ही लेंगे तो ये थ्री टाइम्स हो जाएगा, और ये भी थ्री टाइम्स हो जाएगा। तो थर्ड रो भी ऑड हो गई, और आप देख सकते हैं कि फोर्थ रो भी हमारी ऑड हो गई। तो इसका मतलब अभी हमारे पास दिस एक्सोर दिस एक्सोर दिस एक्सोर दिस एक्सोर दिस एक्सोर दिस एक्सोर थ्री टाइम्स दिस, मतलब एक्सोर एक्सोर एक्सोर, विच इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग इट वन टाइम एंड सो ऑन। तो सभी एलिमेंट्स जो हमारे पास है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर हो चुके हैं, इसका मतलब हमें सभी एलिमेंट्स की एक्सोर वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो अगर मैं कंसेप्ट को रैप अप करूँ, तो हमें बेसिकली करना क्या है, सेकेंड रो से लेकर लास्ट रो तक मूव होना है। इनिशियली सभी सेल्स की काउंटिंग जीरो रखेंगे, और अगर ऊपर वाले सेल की काउंटिंग इवन हुई तो हम
उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को ले लेंगे आंसर एक्सोर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, और उसके नेबरिंग सेल्स की काउंटिंग है वो एक से बढ़ा देंगे क्योंकि वो तीनों या चारों नेबर्स की वैल्यू को एक एक बार लेगा, ठीक है। और ऐसा हम सेकेंड से लेके फोर्थ रो तक मूव करेंगे। और हमने क्या देखा कि हम जब सेकेंड लास्ट रो में ऑड सभी एलिमेंट्स को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करने की कोशिश करते हैं तो लास्ट रो भी अपने आप ऑड हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एन इवन है, इसीलिए हमें क्वेश्चन में एन इवन दिया गया है, ठीक है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। इंप्लीमेंटेशन सुपर ईजी है, अभी देख लेते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसा हमने डिस्कस किया कि सेकंड से लेकर लास्ट रो तक मूव करेंगे, और अगर एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर वाला सेल जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकर हुआ है तो उस सेल को हम आंसर के साथ एक्सोर करेंगे, उसके नेबरिंग सेल्स की काउंट बढ़ा देंगे, और अगर वो ऑड है तो हम उस सेल को नहीं लेंगे। सो सबसे पहले तो मुझे ये एल एल लॉन्ग लॉन्ग के लिए है, मुझे काउंटिंग एक चाहिए n क्रॉस n का, इसमें मैं सभी एलिमेंट्स को इनिशियली जीरो कर दूंगा, और मेरा इनपुट जो है वो मान लो मैं a में स्टोर कर रहा हूँ n क्रॉस n, ठीक है। तो इनिशियली मैं आंसर को जीरो लूंगा। वाई जीरो? बिकॉज समथिंग xor विद जीरो इज समथिंग, x xor जीरो इज x, ठीक है, इसीलिए मैं जीरो ले रहा हूँ। अब फॉर i इक्वल्स टू वन टू n माइनस वन, फॉर j इक्वल्स टू जीरो टू n माइनस वन, ठीक है, इफ काउंटिंग ऑफ i माइनस वन j मॉड्यूलो टू इज जीरो, अगर इवन है तो करंट सेल की जो वैल्यू है उसको आंसर के साथ xor करो, आंसर इक्वल्स टू आंसर xor a ऑफ i j। लेकिन जब हम ये xor लेंगे तो वो नेबरिंग वैल्यूज को भी कंसिडर कर लेगा इसमें, मतलब कि नेबरिंग सेल्स की काउंटिंग को एक से बढ़ाना पड़ेगा। सो काउंटिंग ऑफ i माइनस वन जे प्लस इक्वल्स टू वन, इफ i प्लस वन इज लेस देन n, काउंटिंग ऑफ i प्लस वन जे नीचे वाला सेल प्लस इक्वल्स टू वन, अगर वो सेल के अंदर है तो, इसलिए हम इफ लगा रहे हैं। इफ j प्लस वन इज लेस देन n, राइट हैंड साइड वाला सेल, देन काउंटिंग ऑफ i j प्लस वन प्लस इक्वल्स टू वन, ठीक है। इफ j माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड साइड वाला सेल, तो काउंटिंग ऑफ i j माइनस वन प्लस इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो जब तक हम इसके बाहर निकलेंगे हमारे पास हमारा आंसर आ गया होगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एन स्क्वायर। और हमें बोला गया है कि समेशन ऑफ एन ओवर ऑल द टेस्ट केसेस डजंट इंक्रीज थाउजेंड, सॉरी समेशन ऑफ एन ओवर ऑल द टेस्ट केसेस डजंट इंक्रीज थाउजेंड, सो इट वुड बी थाउजेंड स्क्वायर। और अगर मोर स्पेसिफिक लेना है तो दिस वुड बी थर्टी एन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जब हम एक्सोर लेते हैं तो वो बिटवाइज एक्सोर होता है और ए की वैल्यू है वो टू की पावर थर्टी तक है, तो एक्सोर लेने में थर्टी स्टेप्स लग सकते हैं, ठीक है। बट अगेन थर्टी इज अ कॉन्स्टेंट, आप समझ के ओ ऑफ एन स्क्वायर कह सकते हैं, और ये इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।